तीन तीन बिल्लियां, एक इस तरफ है, एक वो सामने बड़ा वाला बिल्ला और एक इधर। तीनों एक दूसरे को ऐसे घूर घूर के देख रहे हैं। कोई पक्की बड़ी लड़ाई होने वाली है यहाँ पर। ये बड़ा वाला बिल्ला फिर उसकी तरफ जा रहा है। मैं ना इसको भगा ही देता हूँ। हाँ, भाग गया, अब उसकी तरफ नहीं जाएगा। वो बेचारी डरी हुई है, देखें ऐसे बैठ कर देख रही है। वो नीचे जा रहा है और ये अभी तक, इसको भी मैं भगाता हूँ। मजे तो हमारे जैक के हैं। यहाँ से उठता है, नीचे जाता है, दाना वगैरह खाता है। और अब तो इसको पता भी चल चुका है वहाँ सामने पानी है। जहाँ पर बेसन लगा हुआ है उस जगह पर इसने कहीं पानी देख लिया था, अभी वहीं से उड़ कर आया है। पानी पी लिया ना अच्छे से। मुझे लगता है यहाँ पर वाकई में यहाँ पर पानी भी नहीं है, दाना भी नहीं है। दाना इसलिए नहीं डाला कि इसको हम अपने हाथ पर खिलाएं ताकि ये जंगली ना हो सके। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ये देखें यहाँ पर काम चल रहा है, दरवाजे इंशाल्लाह आज बन जाएंगे और आज यहाँ पर दरवाजों का काम खत्म हो जाएगा। उसके बाद अच्छे से जब ये सूख जाएगा तो हम इसको फिर रंग करवा लेंगे। किधर? तो आज क्यों रहे हो, सीधा बताओ ना, कितने हैं? दो हैं। क्या कलर है? एक काला। कौन से छत पे? इस वाले पे, ऊपर वाले पे? सच में? चलो चलते हैं। भाग के हो, भाग के। यहाँ पर सीढ़ियां लग चुकी हैं, लेकिन आराम आराम से ऐसे 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 ऐसे। यहाँ पर देखते हैं किधर है। वाकई में बैठे हुए हैं। एक जंगली है, दूसरा जंगली नहीं है, दूसरा हमारा नहीं है, ये उन भाई की होंगे। ये रोजाना आ जाते हैं, वही है ना? तकरीबन क्या देखना पड़ेगा, लेकिन यहाँ से ऊपर नहीं जा सकते। ये अभी भी लगी हैं यहाँ पर, पाँव रखा ना तो ये ख़राब ना हो जाए। एक काम करो, तुम आराम आराम से जाओ, यहाँ से गुजरो। अब तुम जाओ, पकड़ सकते हो तो पकड़ लो। साइड पे नहीं रखना पाँव, सेंटर में रखना। निकल जाओ, अब निकल जाओ, ऊपर निकल जाओ। उड़ गए वो, हमारे हाथ नहीं आने वाले, वो जंगली ही थे दोनों। अब इसकी खुशियां देखें। यहाँ पर तो ये बैठ चुके हैं, अब यहाँ से ये सीधा ऊपर भाग जाए करेगा। तो अब जल्द से जल्द यहाँ पर ना ऐसे ग्रिल लगवानी पड़ेगी और इधर एक दरवाजा लगवाना पड़ेगा ताकि ये ऊपर ना जा सके। इसको देखें यहाँ पर पक्के अमरूद। क्या कर रहे हो? कौन सा वाला पका है? हाँ यार, ये पक चुका है, इसको तोड़ के देखते हैं। हाँ बिल्कुल पक चुका है। पका नहीं है जी, ऐसे कच्चा लेकिन मीठा होगा, बहुत ज्यादा मीठा है। फिट हो गया, ये लो। पहले मैं तुमसे एक ना खा चुका हूँ यहाँ से तोड़ के। आज तुम्हारे राजा रानी इधर ही है। राजा वहां पर घूम रहा है, रानी यहाँ पर है। ये खुली जगह ना, यहाँ पर मैंने इनको छोड़ दिया। और अल्फा ब्रावो चार्ली को इतना ज्यादा हमने आज खाना डाला ना ताकि शोर न मचा सके। आज मेरे हाल में यहाँ पर काम खत्म हो जाना चाहिए। यहाँ की सारी सफाइयाँ हमने कर ली थी। यहाँ पर ना मुझे एक मुर्गी बीमार लग रही थी, वो गई कहाँ पर है? इधर बैठी हुई थी ना ऐसे सुस्त होकर, तो उसी के लिए मैं आया हूँ, लेकिन अभी वो नीचे उतर गई। यहाँ पर एक कबूतर आ चुका है और हमारे वाले कबूतर कहाँ बैठे? एक और दो यहाँ पर बैठे हुए हैं, जो कि अभी ये हमारे हाथ नहीं आने वाला। भाई कह रहे हैं कि पकड़ लेंगे, लेकिन मुश्किल है, वो बहुत ज़्यादा दूर बैठा हुआ है, हमारे इस तरफ है। अगर हम अपने वालों को पकड़ेंगे हमारे वाले भी उड़ जाएंगे। आज के लिए माजरत। तुम्हारी क्या माजरत, तुम्हें तो निकाल दूंगा, तुमने तो उस तरफ जाना है। तुमसे माजरत, आप सबसे माजरत, और इनके करीब जाऊंगा इन्होंने शोर मचाना शुरू कर देना है। हाँ माफ कर देना, आज हम इनको नहीं निकाल सके। ये भाई काम कर रहे हैं ना, फिर भाई को तंग करेंगे। ये रही वो बीमार वाली मुर्गी, बीमार है, ऐसे ही बैठी हुई थी यहाँ पर। इसको मजा आता है शायद, बीमार तो नहीं है, ये ऐसी लग रही है। कल भी उस कॉर्नर में शायद यही वाली थी और सुबह भी यही बैठी थी और अभी भी यही है। यार ये आजकल कितना ज्यादा खाते हैं, इनको हम बाहर नहीं लेकर जा रहे हैं। मैंने फुल की थी यहाँ तो, बिल्कुल सफाई कर दी, उन्होंने खाना शुरू कर दिया, ये तो बहुत अच्छी बात है। अगर इस तरह ये खाए ना, जाया ना करें, तो फिर हम इनको रोजाना ज्यादा सा डाला करेंगे। पहले तो एक तोड़ा आता ना, फिर दो तोड़े ले आएंगे। ऐसे थोड़े थोड़े कमजोर हो गए हैं क्योंकि इतने दिनों से ये बाहर नहीं गए। फाइनली कल या परसों तक इनको भी बिल्कुल आजादी मिलने वाली है, फिर ये यहाँ से हमेशा के लिए निकल आएंगी और फिर इनको उस तरफ ले जाएंगे। आज यहाँ पर एक ही अंडा पड़ा है, शायद अली उठाकर ले गया होगा। कल यहाँ पर तीन अंडे थे, एक अंडा हम पहले ही घर ले गए थे, दो अंडे मैं लेकर जा रहा था, मिस्त्री भाई ने देख लिए और मिस्त्री भाई ने कहा कि ये मुझे दे दो। अभी भी एक अंडा मिला है, मैं इन लकड़ी वाले भाई के सामने लेकर जाऊंगा और फिर देखिएगा। अली एक अंडा मिला है, ये घर ले जाओ, ये एक अंडा मिला है। देख रहे हैं, देख रहे हैं भाई। इस्माइल भाई आपको तो नहीं चाहिए? नहीं नहीं नहीं, तो बहुत शुक्रिया। तो पहले एक दफा क्यों लेकर गए थे? आज नहीं चाहिए, आज मोबाइल सामने है इसलिए भाई इनकार कर रहे हैं। जूही मैं बंद करूंगा ना, इन्होंने कहना है दे दो। अली यार इसमें वो मछली नजर नहीं आ रही, तुमने देखी है? अली ने भी नहीं देखी, यकीनन वो कहीं नीचे होगी, अगर मरती ना फिर तो ऊपर आ जाना था। ये देखें इब्राहिम ने क्या क्या फेंका हुआ इसके अंदर, ये वाले पत्थर उठा कर ना फेंकते हैं। यहाँ पर मट्टी फेंकी हुई है, पिघल ही ना जाए। नहीं ये सख्त वाली मट्टी है, इसको भी यहाँ पर एक रहा यहाँ पर। हाँ अभी इसकी सफाई हो चुकी है, लेकिन मछली अभी तक मुझे नजर नहीं आ रही। अली की मर तो नहीं गई? यहाँ पर भी नहीं है, साइडों पे होनी चाहिए ना,
लेकिन साइडों पे नहीं है। ये फूल एक मिल गया, इसको मेरा पाँव शायद लगा है, टेढ़ा हो गया। हाँ अब यहाँ पर ये किधर जा रहा है देखें ज़रा, इतना ऊंचा, इसको भी शायद ठीक करना पड़ेगा। ये देखें ये हो गया, अब यहाँ से इसको ऐसे बंद कर दूंगा तो इसके जो प्रेशर है ना वो यहाँ तक आ जाएगा। यहाँ पर और इधर ऐसा ही है ना जी। यहाँ पर जा सकता हूँ आराम आराम से, आप चले जाएं आराम आराम से। ठीक है भाई, कह रहे हैं आराम आराम से, अभी अभी इन्होंने लगाई है, लेकिन कोई बात नहीं भाई जान, आज खत्म हो गया है ना जी इंशाल्लाह, ये अभी घंटा डेढ़ लगेगा, हमारी जान आज छूट जाएगी। आपसे हमारी जान, आपसे नहीं हमारी जान आपसे आज से छूट जाएगी। यार ये बच्चा काफी हद तक ठीक हो चुका है, इसको पाँव बिल्कुल ठीक होते जा रहे हैं। अली क्या कर रहे हो यार, अभी नहीं निकालना इनको, अभी नहीं निकालना, वो ताजा है ना, वो सारा खराब हो जाएगा। सारे आज रेत के अंदर क्या बैठे कर रहे हैं, बीमार तो नहीं है? नहीं ऐसे सुस्त है। यहाँ पर अब हम रेत की जगह ना मिट्टी डालने वाले हैं, इसको हम सारे को साफ कर देते हैं और इसको मिट्टी से भर देते हैं, मिट्टी में ये रेत से ज्यादा खुश रहते हैं। इसको देखे, इसके पाँव अब बिल्कुल ठीक ठाक होते जा रहे हैं। ये पहले तो बहुत ज्यादा दाने थे, पॉक्स जो थे, और मुंह के ऊपर भी थे, लेकिन अब बिल्कुल ठीक है। अब ये अच्छे से ना भागता दौड़ता भी है। ये हमारी कल वाली फीमेल जिसको हमने पकड़ा था, और ये अभी तक अंडों के ऊपर बैठा हुआ है, कितने मजे से बैठा हुआ है। यहाँ पर भी बैठा हुआ है, अंडे नजर ही नहीं आ रहे। क्या कह रहे थे अब बताओ मुझे, क्या चीज है? आज मैं आपके लिए एक मजे की चीज लाने लगा। मेरे लिए कहाँ से? बस आप रुके मैं लेके आता हूँ। अच्छा जाओ जल्दी से। अली आज कोई मजे की चीज ला रहे जी, अब बता नहीं रहा, कहते बस मैं लेके आता हूँ, इंतजार करते हैं लेके आएगा तो फिर देखते हैं क्या चीज है। हमारा लड़का काफी देर से गया हुआ है, नजर नहीं, वो आ रहा है। ये इसके हाथ में केज है, बड़ा प्यारा सा केज है, अंदर तीतर या कोई काली सी चीज मुझे नजर आ रही है। ये क्या हुआ है दिखाना, तीतर है। ये कहाँ से लेके आयो? ये तीतर है भाई, सामने वाले भाई से थोड़ी देर दी, उनसे ले आयो। ये देखे जी तीतर ले आया। अब हमने मांगना भी शुरू कर दिया है, हम सायों के घर में कुछ चीज आ जाए ना तो हम मांग भी लेते हैं। पता नहीं ये तुमने देखा कहाँ पर है? सामने नजर आ रहा था तो तुम ले आए हो। कितनी देर के लिए मिले? रेंट पे लेके आए हुए। ये हमें रेंट पे मिला है जी, ये हमें मिला है 1000 रुपए एक दिन का है ऐसे। यार इसको वैसे भी हमने तीतर तो लाना है ना, तो चले इसको अंदर जाकर छोड़ते हैं। ये जंगली है या पता नहीं क्या है। ये देखें यार, ये जंगली तो नहीं है? जंगली है, कौन सा जंगली है? उड़ जाएगा, फिर रिस्क नहीं ले सकते। हाँ ऐसे ही इसको ले जाते हैं जी, अगर इसको खोला ना ये भाग जाएगा। तीतर हम किस केज में रखेंगे अली? तीतर हम रखेंगे इस वाले केज में, ये बड़ा है काफी, देखें यहाँ पर ये काफी बड़ा है ना, तो यहाँ पर बड़ी सी जाली आएगी और मिट्टी होगी अंदर, और यहाँ पर होगा काले तीतरों का एक पेयर। ये तो सिर्फ एक है ना, ये तो यहाँ पर आ जाएगा, ये देखिए ऐसे भी आ जाएगा, इतना बड़ा ये केज है, इसकी हाइट है, इसके अंदर पिंजरा भी आ सकता है, लेकिन हम जब रखेंगे तो हम यहाँ पर उनको खुला रखेंगे, और हम ऐसे रखेंगे मतलब जो थोड़े थोड़े टेम हो उनको हम शाम के वक्त यहाँ पर निकाला करेंगे। और हम सोच रहे हैं यहाँ पर जितनी बजरी और पत्थर है हम सारे ये हटा लें यहाँ से, और यहाँ पर ऐसा मिट्टी में सारे परिंदे खेलेंगे तो ज्यादा खुश होंगे। अब हमारे घर में कोई चीज आए और वो आजाद ना रहे, ऐसे बंद रहे, मुझे तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। हम फिजेंट को फिलहाल बाहर निकाल देते हैं और थोड़ी सी देर के लिए इसको इस मिट्टी वाली जगह पर छोड़ देते हैं, ताकि इसको भी हमेशा ये याद रहे ये हमारे घर आया था। बेचारे इतने उदास उदास क्यों बैठे हो यार, बाहर नहीं आना? हाँ यहाँ पर ही खा लो, चलो इधर ही खा लो, तुम्हें क्या मसला है? तुम फिलहाल नहीं आ सकते, थोड़ी सी देर सब्र करो, फिर तुम्हें मैं इधर ही दाना ला देता हूँ। अरे निकल जाओ यार, कब से इंतजार करूँ, मेल कब से यहाँ पर तीतर को देख रहे, शायद इसने फर्स्ट टाइम तीतर को देखा है। फीमेल भी जा चुकी है, अब ये उस तरफ चले जाए ना तो मैं उस तरफ से यहाँ पर आऊंगा और इसको यहाँ पर छोड़ दूंगा। जैक बेचारा थोड़ा सा परेशान है, जैक आ जाओ, आओ इधर इधर, वो चला गया। उसका जब मूड करता तब आता है, अभी मेरे कंधे पे ही था, वहां से यहाँ पर और यहाँ से फिर वहां पर चला गया। अब मुझे यहाँ से लंबा चक्कर काट कर जाना पड़ेगा, वरना ये अपने घर में भाग जाएंगे। उस तरफ जाओ, अभी हम तीतर को, फिर क्या देख रहे हो, मेरी थोड़ी सी मदद कर दिया करो, ऐसे बैठ के हंसते रहते हो। यहाँ पर तीतर को छोड़ना है, इधर यहाँ पर, उस दरवाजे को नहीं खोलना, इसको बंद कर देते हैं, अभी तीतर को निकालते हैं। बहुत ही ज्यादा टाइट सिक्योरिटी में तीतर को रखा गया है, ये देखें एक ये खोला है, ये तारें भी बंधी हुई हैं, ये वाली तार निकलेगी, ये शायद नहीं निकलेगी, इसी को खोलना पड़ेगा। चलो इस तरफ से, इधर 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 थोड़ा सा और, इस तरफ ये है दरवाजा। अली को देखो ना, चलो इसको, हाँ निकल गया
ये आ गया है जी माशाल्लाह हमारा तीतर। अब इसका दिल कर रहा है बाहर जाने का, लेकिन यहाँ से इसको हम बाहर नहीं निकालेंगे वरना ये गुम हो जाएगा और है भी अभी किसी की अमानत। अभी चूजे निकाल देते हैं इनको, भी बेचारों को भूख लगी हुई है। क्यों तंग करते हैं इधर देखो, गिल्लू खाते हैं ये। एक गिल्लू भी खा जाते हैं? गिल्लू खाएंगे मर जाएंगे, इसको नहीं निकालना। भाई कह रहे हैं कि चूजों को नहीं निकालना, एक तो उनको तंग करते हैं, दूसरा वो गिल्लू खा जाते हैं। चलो यार आज यहीं पर खा लो थोड़े से दाने, ये खा लो यहीं पर, पानी भी इनको डाल देते हैं। भाई आज थोड़ा सा रिस्क है, ये बेचारा परेशान हो गया है यहाँ पर कब से खड़ा, अपने पिंजरे को देख रहे हैं, उसके अंदर तीतर जो आ चुका है। काफी देर हो चुकी है तीतर यहाँ पर घूम रहे हैं, इसका बाहर आने का इरादा, और ये थोड़ा थोड़ा जख्मी भी है। मैं इसको भी निकालता हूँ ना, फिर आपको दिखाता हूँ। दिखाना कहाँ से इसके पर आ रहे हैं, ये इसके बड़े बड़े पर आ रहे हैं, और ये तो इसके छोटे छोटे पर, नन्हे नन्हे बाजू, छोटे इस पे तो आए नहीं है, यहाँ पर आ रहे हैं। और ये है लैला मजनू का इकलौता वारिस, इसको अभी बंद कर देते हैं, ये तो सुबह से घूम रहा था। और इसको नहीं, किधर गया दूसरा वाला, उसको मारते हैं, उस बेचारे के परों को ना इसने काट लिया। ये देखे भाग रहे, अपने घर नहीं जा रहा, इसको घर पसंद नहीं है। इधर 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 चलो, इधर जाओ इधर जाओ, हाँ बस अब बाहर नहीं आना। बच्चे ने क्यों शोर मचाया हुआ है, क्या मसला है? एक पैर बोल रहा है अब पता नहीं कहाँ से। यहाँ पर पानी भी है, दाना भी है, यहाँ पर भी दाना है, सब जगह पर मैंने खुद आज चेंज की है, पानी भी है, फिर ये शोर क्यों मचा रहे हैं? इनको जो पालक डाली थी ना, इनको वही नशा है, अब वही मुझसे मांग दिया, जब भी मुझे देखते हैं ना शोर मचाना शुरू कर देते हैं। वो वाला पे अच्छा शोर मचा रहा है, हाँ वही वाला है, वहीं से आवाज़ आ रही है। या फिर मेल इसलिए भी बोलते हैं, जब उनकी फीमेल अंडों पे बैठ जाती है ना, तो वो फिर अकेले हो जाती हैं, फिर वो दूसरों की फीमेल और मेल को देखकर ना, साइड वाले जो उनके पैर बैठे होते हैं उनको देखकर भी ऐसे फिर शोर मचाते हैं। मेल यहाँ पर बैठा हुआ है, फीमेल किधर है? अली इसकी फीमेल देखो किधर है, उस तरफ, किधर किधर छुपी हुई है, ये रही फीमेल। दोनों अपने केस से ज़्यादा दूर नहीं जाते, अब इस तीतर को पकड़ते हैं और वापस बंद करते हैं, भाई को वापस करते हैं, ऐसा ना हो भाई परेशान हो जाए अपने तीतर के बिना। ये सर से भी जख्मी है, इस तरह से भी, और थोड़ा सा ये चूंच से भी जख्मी है, ये पहले से जख्मी था। और एक मजे की चीज दिखाऊं, अली इधर आओ, हाथ आगे करो करो करो, काटता है, कुछ नहीं कहता यार, इतना भी जोर से नहीं काटता। नहीं नहीं ऐसे नहीं, सीधा करो यार, ऐसे काटो काटता है जी ये तो, इसे मुझे काटा है तब मुझे पता चला, इसलिए मैंने सोचा है अली लाया है तो एक दफा जाते जाते ये अली को भी काट ले। ध्यान से इसको लेके जाना कि फेंक ही ना देना, हमारे सर आ जाएगा। अली इसको लेकर जा रहे हैं, अलविदा तीतर, काला तीतर। अब वो उसको छोड़ आएगा जी, हम देखते हैं अपने परिंदों को। इस तरफ से बहुत ज्यादा बिल्लियों की आवाज आ रही है, दोनों लड़ाई कर रही है, हमारी छोटी वाली बिल्ली को तो नहीं बड़ी वाली बिल्ली मार रही। किधर है? यहाँ से, किधर से आवाज आ रही थी? यहीं से, ये नीचे यहाँ भाग गई है, इस तरह से भागो है ना। हमारी छोटी जो बिल्ली है ना, उसको बड़ा वाला बिल्ला जो था ना वो मार रहा था, इसलिए उसने इतनी चीखें मारी ना, मैं भाग कर यहाँ पर आ गया। अभी हमारे टर्टल को बाहर निकालने का टाइम हो गया, दो उधर बैठे हुए हैं, एक यहाँ पर चिपका हुआ है, और देखें कितना सुनसान सा हो गया है, पहले कितना भरा भरा होता था, पहले तो दो शार्क भी अच्छी लगती थी, मैंने सोचा था और जाकर शार्क ले आऊंगा क्योंकि ये सख्त जान होती है, लेकिन मुझे नहीं पता था जब एक मरी तो मैंने ये सोचा कि बस आज मैं सुबह उठूंगा ना तो ये जो दो घूम रही है ना ये भी मर जाएंगी। और मुझे तो ऐसा लगता है जैसे आप सब ने कमेंट्स किए हैं कि इस हीटर का मसला था, ये जो हीटर है ना ये ख़राब है, या फिर कोई भी हीटर हो सकता है ख़राब हो या फिर यहाँ पर कामयाब ना हो, लेकिन उन भाई से मैं जाकर बात जरूर करूँगा जिनसे मैं ये लाया था कि इस हीटर में कोई प्रॉब्लम है, ये हीटर चेंज करके दें। और फिर जब जाऊँगा हीटर चेंज करवाने के लिए तो साथ में हमने बड़ा वाला फ़िल्टर लाना है ताकि हमारा एक्वेरियम गंदा ना हो, और फिर हम मछलियाँ भी ले आएंगे। आज का जो व्लॉग था वो यहीं तक था, आज के व्लॉग को करेंगे यहीं पे ख़त्म। मुझे रखिएगा अपनी दुआओं में याद, अगले व्लॉग तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।